हेलो फ्रेंड, आज जो सही तरीका है प्रोसेस कंपाउंड करने का वो मैं बता दूंगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। जो दोस्तों डस्ट वगैरह कोई सा भी अगर चिपकता है पॉलिश के ऊपर और इसको कंपाउंड करके रफिंग निकालना है, पूरा वफिंग भी बोलते हैं पेंटर भाई। और कंपाउंड दोस्तों सही तरीके से प्रोसेस क्या होता है, वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। एंड तक पूरी आईने की तरह मैं दिखा दूंगा दोस्तों ग्लॉस कैसे चमकता है कंपाउंड करने के बाद। देखना दोस्तों एंड तक, बने रहना वीडियो में एंड तक। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मिंटू है, आप चैनल देख रहे हैं पेंट की दुनिया। दोस्तों ये पॉलिश है, ये सागवान है, ये शीशम की लकड़ है। अगर दोनों का वीडियो फुल देखना है कैसे बनाया जाता है ये सिंपल, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और इस पर दोस्तों मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि ये मैट हो चुका है बिल्कुल, और इस पर शाइनिंग लाने के लिए जैसे कि डस्ट वगैरह, जैसे कि स्पीव पॉलिश करते हैं घर में कहीं भी, ऊपर डस्ट वगैरह चिपक जाते हैं। कई भाइयों को मेरे को कॉल आते रहते हैं डस्ट को कैसे निकालें। उस पर दोस्तों कंपाउंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्राइंडर खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कंपाउंड करना चाहते हो, किसी भाइयों को होता है कंपाउंड, वो कर सकते हो। ग्राइंडर सभी वास कभी कभी किसी को होता ही है। और इसके ऊपर आप कंपाउंड करके और शाइनिंग लाऊंगा, पूरा शाइनिंग लाऊंगा इसके ऊपर। थोड़ा सा मैट हो चुका है, ये सागवान है और ये शीशम की लकड़ है। दोस्तों इधर से लकड़ है, पूरा प्रूफ के बताऊंगा, ये लकड़ है। और इधर दोस्तों ये पॉलिश किया था, पीयू पॉलिश है, ये भी दोस्तों पीयू पॉलिश ही है। और इस पर थोड़ा सा शाइनिंग करके दिखाऊंगा। तो चलो इस पर कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड दोस्तों बता देता हूँ, 3-4 कंपनियाँ आते हैं, एक निटोन का और एक 3M कंपाउंड, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ क्रीम में आता है, रफ नहीं। पहले इसको ना धोएंगे पानी से, रफ ना हो नहीं तो स्क्रैच आ जाएगा इसमें। कोशिश करें धूल मिट्टी वगैरह कहीं भी ना हो, पल्ले पुल्लों को कपड़े से साफ करके तब जाके कंपाउंड करें। तो चलो आपको सभी प्रोसेस बताते रहूँगा, ध्यान रखना दोस्तों कैसे करते हैं। गेट पर भी दोस्तों ऐसे ही करना जैसे अभी करके बताऊँगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते। तो फिर जैसे कि ये कंपाउंडिंग मशीन है और ये वाला साथ में ही मिलेगा, दो चीज़ मिलेगा इसका। एक और होता है ब्रिक होता है वो हल्का सा, और ये बड़े वाला होता है अच्छा फिनिशिंग देने के लिए, ये बेस्ट होता है। और ये ग्राइंडर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, और कंपाउंड करके बताऊंगा आपको। ये निटोन कंपनी का है, मेरे पास 3M का मुकाबला ही है, बिल्कुल सही है। और इसकी शाइनिंग देखना दोस्तों कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसकी चमक भी। डोर वोर कहीं भी पेंट, कोई सा भी पीयू पॉइंट, जैसे कि पीयू पेंट करते हैं, डीको पेंट करते हैं, इस पर कंपाउंड की ज़रूरत है, ये कर सकते हो कंपाउंड। कोई सा भी कंपाउंड आपके जैसे कि एरिया में मिलता है, कई कई एरिया में नहीं मिलता है, दूसरी कंपनी का मिल जाता है। कंपाउंड तो कंपाउंड ही होता है दोस्तों, लोकल कंपनी मत लेना, थोड़ा सा हाई कंपनी लेना तो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा है। तो चलो इसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। अब इसके में ढक्कन लगा हुआ है, खोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल पेस्ट है इसका, क्रीम जैसे, इसे क्रीम कलर बोलते हैं वैसा होता है थोड़ा सा। अब वैसे तो फिलहाल वाइट ही है। और सबसे पहले इसको ना पानी से साफ करेंगे इसको, तो फ्रेंड पानी से अच्छे तरीके से इसको रफिंग करेंगे, अच्छे तरीके से कचरा उचरा धूल मिट्टी ना हो कहीं भी निकल जाए, नहीं तो इस कंपाउंड में दोस्तों एक भी अगर मिट्टी आ गया स्क्रैच बना देगा इसमें, पॉलिश में। कोई सा भी डोर डीको पेंट के ऊपर अभी कंपाउंड करते हो, कोई सा भी अगर कंपाउंड जहाँ भी करते हो, कोई सा भी कचरा का ध्यान रखना दोस्तों, मिट्टी उट्टी ना हो। ये क्रीम लगा दिया मैंने पेस्ट ऐसे करके, और दोस्तों मैं अकेला हूँ, अगर डोर पर कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था और कॉल भी करके पूछते रहते हैं सर, दोस्तों पूछते रहते हैं, और कॉल भी किया था कि किसी पेंटर भाई ने, सर रफ आ गया इसमें, दाना दाना सा बन गया पीयू पॉलिश में। देखिए दोस्तों अगर पीयू पॉलिश कर रहे हो और ग्लॉस कर रहे हो तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे पीयू पॉलिश करके दरवाजे जल्दी से दूसरे कमरे में करना पॉलिश, वहाँ से उठा के तुरंत बाहर निकालना दोस्तों, नहीं तो उड़ उड़ के ना वापस पॉलिश में चिपकते चला जाता है, उसमें दाना बन जाता है। और पेंटर भाई को कई को दिक्कत आता है, दाना कैसे बन गया, कई भाई नए पेंटर है डर जाता है, कोई कारीगर है उसको तो पता ही होगा कैसे रफ निकालना है इसको। और देखिए दोस्तों मैं इसको काफ़ी टाइम हो गया था इसको पॉलिश किया हुआ, पीयू पॉलिश है, बिल्कुल चमक नहीं था, कम ही था इसमें, और इसमें कंपाउंड किया था सिर्फ, ये 200 का है कंपाउंड, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी है और शाइनिंग भी इसकी पूरी ज़बरदस्त है दोस्तों। और इसकी रफ रुफ सब खत्म हो गया, पूरी स्मूथिंग हो गया है दोस्तों, इसकी चमक देखना दोस्तों कितना है। और दो सैंपल बता के बताऊंगा, ये दो दूसरा सैंपल नीचे रखा हुआ, और जो पहला है यो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको,
तो बिल्कुल अकेला हूँ मैं, इसलिए पैर से दबाया हूँ हैंडल इसका। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से करना ध्यान से, अकेला में थोड़ा सा बहुत दिक्कत आए थे। कई कई भाई पेंटर भाई को सैंपल तैयार करके देना होता है कई कई भाई पेंटर भाई को, और उसमें अकेला ही कंपाउंड सभी चीज़ क्लीन करके देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है मालिक को, तो इसलिए सभी पोजीशन पर तैयार रखना पड़ता है। दो आदमी होगा तो वेस्ट होगा। ये देखिए दोस्तों में चमक इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसकी धूप में देखना दोस्तों कितना ज़्यादा, ये देखिए रोशनी पड़ा और पूरी आईने की तरह मुँह दिखने लग गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ग्लॉस आ गया इसमें। कंपाउंड बहुत ही वेस्ट है दोस्तों, और कचरा वचरा भी निकल जाएगा, स्मूथिंग पूरा हो जाएगा, इधर बिल्कुल मैट है, और इधर देखिए दोस्तों कितनी शाइनिंग है, पहले इतना ही शाइनिंग था पहले, और इसका देखें दोस्तों शाइनिंग कितना वापस आ गया पहले से। और दो तीन बार कंपाउंड लगाना दोस्तों इस पर, ज़्यादा मत लगाना दोस्तों एक ही जगह, नहीं तो गर्म होकर पिघल जाएगा पॉलिश, और हल्के हल्के से यानी कि इधर उधर करते रहना है, और ग्राइंडर भी अगर कहीं पर भी दरवाजे पर चलाते हो तो इधर उधर करते रहना, ठीक है दोस्तों दरवाज़ा ख़राब ना हो जाए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेहनत और मटेरियल बहुत लगा हुआ आता है पॉलिश में, खर्चा भी बहुत हो गया है, तो इसीलिए लकड़ी को इधर उधर हिलाते रहना लकड़ को, एक जैसे कि एक जगह ग्राइंडर मत लगाना, इधर लेफ्ट राइट करते रहना ग्राइंडर को, जहाँ तक अपना एरिया है वहाँ तक तो पता ही होगा, जो पेंटर भाई रोज़ कंपाउंड करते उसको पता होगा, जो नहीं जानता कंपाउंड के बारे इसलिए उसको बता रहा हूँ दोस्तों। एक बात और दोस्तों, जिस भाइयों ने मेरे को चैनल सब्सक्राइब किया हो मैं दिल से सलूट करता हूँ दोस्तों, जिस भाइयों ने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिस भाइयों ने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। दूसरे पल्ले का भी मैं, ये जैसे कि टुकड़ा है, इससे शीशम का लक्कड़ है, वो सागवान था जो पहले था, ये शीशम की लक्कड़ है, और इसमें मैंने पीयू पॉलिश किया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ दोस्तों, ज़रूर देखना इसको, पूरी फुल वीडियो है कैसे तैयार करा जाता है पीयू पॉलिश, कैसे करते हैं सही तरीके से। कई कई पेंटर भाई इसमें दाना बन जाता है, दाना कैसे बनता है वो भी चीज़ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और कैसे करना है बहुत ध्यान रख के चलना है दोस्तों। पीयू पॉलिश में, पीयू पॉलिश सबसे बेस्ट और मेहनत ज़्यादा आता है इसमें पीयू पॉलिश में।